नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मेरा नाम है ऋतिक शर्मा, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग फिर आ चुके हैं अयोध्या की मार्केट में, और अभी हम लोग आपको चल के दिखाएंगे अयोध्या की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो टूटने का काम उसका शुरू हो चुका है। चौड़ीकरण के कारण जो है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा जाएगा, तो चलिए चलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। आपको पूरा डिटेल्ड रिव्यू देंगे कि कहाँ से टूट रहा है और कितना टूट रहा है, और क्या पूरा टूट रहा है कि आधा टूट रहा है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग हैं इस समय गुदड़ी बाजार चौराहे के पास, और देखिए यहाँ पे शाम फिर पेड़ कट रहा है, जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी दिखाया था इसी रूट पर, यहाँ पर पेड़ कट रहा है। और देखिए कितनी बुरी तरीके से यहाँ पेड़ और काटा जा रहा है। सबसे ज़्यादा दुख मुझे यही सोच के हो रहा है कि यहाँ पर पूरे पेड़ काट दिया जा रहा है। अभी ये देखिए जो सामने ये वाला पेड़ है ये भी काट दिया जाएगा। मतलब सबसे दुख पूर्ण बात ये सब 50-50 साल पुराने पेड़ हैं और यही कट जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इसी बात का हो रहा है, मंदिर टूट रहा है कि मस्जिद, उससे मुझे दुख इस बात का है कि पेड़ कट जा रहे हैं। और इधर चारों ओर हवा मैंने देख सकते हैं, दोनों ओर हवा मैंने देख सकते हैं कि यहाँ की मार्केट किस तरीके से टूट रही है। ये देखिए सब जो नया नया बना था कैसे टूट जा रहा है ये तो पूरा। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, देखिए जिस मस्जिद की बात मैं कर रहा था वो ये है। और अभी चलते हैं, ये तो इसका पीछे का हिस्सा, अभी इसके आगे वाले हिस्से में चल के हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो है इसका पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा ये देखिए यहाँ से थोड़ा टूट चुका है। अभी यहाँ से 6 फुट अंदर जाएगा, चलते हैं इसके आगे और आपको दिखाते हैं। ये है उस मस्जिद का आगे का एरिया, और देखिए अभी मस्जिद तो काफ़ी देखने में सुंदर लग रही है, पर आपको बता दूँ अभी हम लोग खड़े हैं इस समय चौक घंटा घर पर, और आप ये सब तो देख सकते हैं जो घंटा घर बना ये पूरा जाने वाला, बस ये घंटा घर बचा रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और आप ये देख सकते हैं ये जो फव्वारा यहाँ पर लगा हुआ है ये सब टूट जाएगा, ये तकरीबन बहुत ज़्यादा ये सब टूटेगा, पूरा वाइडनेस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एकदम मेन सिटी में आता है। और ये मस्जिद भी कम से कम कम से कम ये जाएगी 6-6 फुट अंदर की ओर। और ये आप पूरी मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जाने वाली है। अभी की मार्केट इसको देख लीजिए, मैं आपसे दावा करता हूँ आने वाले 3 महीने बाद आपको ये सब पूरा चेंज मिलेगा। ये जो हमारी चौक है अयोध्या फैज़ाबाद, ये सबसे ज़्यादा इस समय जो है क्रेज़ में रहने वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आते हैं। देख सकते हैं पूरी मार्केट, कपड़े की दुकान, फल की दुकान, फूल की दुकान, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, घड़ी से लेकर साइकिल, मतलब हर चीज़, मिठाइयों की दुकान और ज्वेलरी हो गया, मतलब पूरा सेंटर ये है अपने फैज़ाबाद और अयोध्या का, लोग यहीं पे आते हैं कपड़े वपड़े देने, पूरा शॉपिंग करने। तो चलिए चलते हैं आगे के एरिया में और आपको दिखाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं दूसरी मस्जिद की तरफ, जो कि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट होगी, यानी कि थोड़ी सी तोड़ के दोबारा बनाई जाएगी। पहले तो ये सुनने में आया था कि काफ़ी टूट जाएगी, पर बाद में पता चला कि काफ़ी नहीं टूटेगी। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि कितनी टूटेगी और कितनी नहीं टूटेगी। बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट करने के 15 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोशिश तो मेरी यही रहती है। और फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं साहबगंज के एरिया में, और यहाँ पर भी दोनों साइड जो है डेवलपमेंट का कार्य चल ही रहा है। अब अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी आप यहाँ का एरिया देख के हैरान हो जाएंगे, बट मैं क्या बताऊँ, दोनों ओर सीवर पाइप का कार्य चल रहा है और लोगों के घर से 10-10 फीट नीचे और 4-4 फीट आगे तक खोद दिया गया है। आने जाने के लिए लोगों ने पटरों का इस्तेमाल किया है, पटरा रख के वो चलते हैं उस पर, कोई अभी उनके लिए प्रशासन ने अभी कोई रास्ता नहीं निकाला, जैसे आप देखते हैं पटरा रखा हुआ है। अभी आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे जो दूसरी वाली मस्जिद है वो कितनी टूट चुकी है और कितना टूटना बाकी है, और क्या वो पूरी टूटेगी कि नहीं टूटेगी। बने रहिएगा वीडियो में, चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे इतना रश हो रखा है, पब्लिक एकदम अगल बगल में ही है, एक्सीडेंट के खतरे यहाँ पर बढ़ चुके हैं क्योंकि रोड पे काफ़ी मिट्टी है और बालू है, सिंपली स्लिपरी है। तो अगर आप यहाँ अयोध्या में तो काफ़ी ख्याल से चलिएगा, क्योंकि लोकल लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं उन्हीं के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के लिए कभी भी इस एरिया में आइए तो बहुत अच्छे से चलिएगा और हेलमेट लगा कर चलिएगा, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है। देखिए जैसे यहाँ पर किस तरीके से पूरा खोद दिया गया है, देखिए पूरा जो सीवर पाइप को कार है यहाँ पर किस तरीके से, एकदम डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर कैसे हो रखा है, तो बड़ा बड़ा खोद दिया गया है, पाइप जो है आके रखी हुई, लोग घर जो कितने टूट गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दुकानें घर
मंदिर और मस्जिद के देखिए ये मंदिर भी एक आगे चलते हैं। मैं इसी मस्जिद की बात कर रहा था आपसे, ये जो है आपका लगभग जा रहा है 6.950 मीटर, मतलब 7 फुट के करीब ये जाएगी और ऊपर का गेट ही जाएगा। काफ़ी मंदिरें भी ऐसे जा रही हैं और ये मस्जिद भी यहाँ पे जा रहा है, तो इसी रूट पे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और अभी हम लोग आ चुके हैं साहबगंज के पास, यहाँ पे तो बहुत काफ़ी, अभी देखिए ये जो घर है यह विश्वास नहीं मानेंगे 2 दिन के पहले नहीं टूटा था, ये देखिए रातों रात ये पूरा टूट चुका है और ये वैसे भी सर छिपने वाला था। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो थी वो आज से 4 दिन पहले थी कि जिसका घर नहीं टूटा है वो खुद से तोड़वा ले, बट जिन लोगों ने नहीं तोड़वाया था प्रशासन उनका स्वयं आके तोड़ दे रही है घर पूरा पूरा, और फिर जब वो तोड़ रहे तो बहुत बेरहमी से तोड़ रहे। देखिए जैसे ये नई बिल्डिंग पूरी बनी थी इसका कैसे ध्वस्तीकरण हो चुका है, और ये देखिए ये सब तो पूरी एजेंसी थी, ये तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पर वाइड हो चुका है एरिया, मतलब आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड पर भी वीडियो शूट करो तब भी पूरा कवर नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर वाइड हो चुका है। और कुछ चीज़ें जो है पहले से वाइड पहले से बनी थी और ये देखिए ये तो पूरा एकदम सत्यानाश हो चुका है, यहाँ पर तो बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर जो है ये टैक्सी रूट ज़्यादा था तो ये जो है काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा टैक्सी वालों के लिए, यहाँ पर जाम नहीं लगेगा। और अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है। देखिए आराम से अभी ये 4 लेन यहाँ पे पास हो चुका है, यहाँ पे बन भी जाएगा काफ़ी जल्दी। और देखिए डोमिनोज वाले जैसे पहले बनवाए थे तो इसने पहले ही पीछे बनवाए थे, तो इसका नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। और ये सब प्लॉटिंग जो है दुकान ये भी पीछे बनी थी, अब ये सब रोड पे आ जाएंगी तो अच्छी खासी आमदनी होगी। देखिए ये नया पूरा पार्किंग का यहाँ बन रहा है, यहाँ दुकानें बन रही हैं, तकरीबन 200 दुकानें इसमें रहेंगी और पीछे पार्किंग रहेगा यहाँ पर, ये भी सरकारी है। और ये इलेक्ट्रिक हाउस है हमारा छोटा सा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मस्जिद, आपको दिखाते हैं जो जाने वाली है यहाँ पर, हम लोग पहुँच चुके हैं मस्जिद के पास। ये देखिए इसी मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी तीसरी मस्जिद हम लोग कवर कर रहे हैं और ये 6 मीटर लगभग जा रही है अंदर। समझ सकते हैं आप चाहे मंदिर है मस्जिद तो सब जाना है ये जाना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और इतना शेयर किया मत जाए, कोई प्रॉब्लम है कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक नेक्स्ट ब्लॉग में कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। मैं इसी मस्जिद की बात कर रहा था आपसे, ये जो है आपका लगभग जा रहा है 6.950 मीटर, मतलब 7 फुट के करीब ये जाएगी और ऊपर का गेट ही जाएगा। काफ़ी मंदिरें भी ऐसे जा रही हैं और ये मस्जिद भी यहाँ पर जा रहा है, तो इसी रूट पे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर।